परिवार में हम नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार है। खुद को चोरों का सरदार बताने वाले ये हैं बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जो अब अपना इस्तीफा देकर भूतपूर्व कृषि मंत्री हो चुके हैं। नीतीश सरकार में नए कृषि मंत्री का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह तय कर दिया है कि बिहार में राजद और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सवाल यहाँ तक उठने लगे हैं कि क्या महागठबंधन की सरकार का भी असमय खात्मा हो जाएगा। कारण लगभग एक महीने के अंदर नीतीश सरकार के दो मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। आखिर क्या वजह है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया, इसके बावजूद कि वह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सुपुत्र भी हैं और जगदानंद वह शख्स हैं जिनकी लालू परिवार से नज़दीकियाँ सभी जानते हैं। आज से 30 साल पहले सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद ने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन लालू ने उसे स्वीकार नहीं किया था। लालू से जब इस मुतल्लिक सवाल किए जाते थे कि वह इस्तीफा राज्यपाल को कब भेजेंगे, तो वे कहा करते थे कि जगदानंद बाबू का इस्तीफा मेरे तकिए के नीचे रखा हुआ है। सुधाकर सिंह भी लालू यादव को अपना नेता बताते रहे हैं और तेजस्वी का खुलकर समर्थन करते रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका इस्तीफा ले लिया गया और उनकी जगह नए मंत्री के नाम की भी तत्काल घोषणा कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर न्यू इंडिया हेराल्ड परिवार का हिस्सा भी बने। तो दरअसल सुधाकर सिंह के इस्तीफे के पीछे नीतीश और जगदानंद के बीच मूछ की लड़ाई है। जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार की यह लड़ाई अब और तेज हो सकती है। हो सकता है अब अगला विकेट जगदा बाबू का गिर जाए। इसके कुछ कुछ संकेत अपने बेटे के इस्तीफे के बाद जगदानंद के बयान से भी मिलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह ने किसानों के हित में इस्तीफा दिया है, हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बात तो अब आगे बढ़ ही गई है। तभी अब जगदानंद के भी आरजेडी से किनारा करने की बातें उठने लगी हैं। दरअसल नीतीश ने पहले ही सुधाकर सिंह को हटाने का तेजस्वी को अल्टीमेटम दे दिया था। गौरतलब है कि सुधाकर सिंह ने कई बार किसानों की समस्या और कृषि विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपरोक्ष तौर पर अपने बयानों से कटघरे में खड़ा किया था। इसे लेकर कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सुधाकर की नोकझोंक हुई थी। इसके बाद से ही अचानक चावल घोटाले में सुधाकर के शामिल होने का मसला चर्चा में आने लगा था। न उनकी मांगे मुख्यमंत्री मान रहे थे और न ही उनके आरोपों को सही बता रहे थे, बल्कि उनके आरोपों को बकवास बताने का काम किया जा रहा था। यहां तक सार्वजनिक रूप से कह दिया था नीतीश कुमार ने कि सुधाकर सिंह पर अब फैसला तेजस्वी को करना है। जाहिर है ऐसे में सुधाकर का विकेट गिरना ही था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जगदानंद और सुधाकर सिंह दोनों ही पार्टी में रहना उनके लिए अब मुश्किल हो जाएगा और वो दोनों ही अपने लिए स्थितियों को असहज मान रहे हैं। ऐसे में वे कभी भी अपना रास्ता बदल सकते हैं। जगदानंद सिंह के साथ आरजेडी के अच्छे खासे विधायकों का समर्थन भी है, नीतीश की पार्टी में भी उनके नेताओं से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में नीतीश की चुनौतियाँ आगे बढ़ भी सकती हैं और सरकार को लेकर भी सवाल उठते रहेंगे।